हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडियन एडवांस स्टडीज़। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, SPTU का काउंसलिंग स्टार्ट हो चुका है तो आपको कैसे चेक करना है। आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, तो मेक श्योर करें इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि एक स्पेशल चैनल बनाया गया है SPTU के रिलेटेड, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बात आज की नहीं है कि आप आज काउंसलिंग चेक कर रहे हो, बात है अगले कुछ सालों की, जब तक आप पढ़ाई करते हैं। तो जब आप पढ़ाई करते हैं तो आपके प्रैक्टिकल्स होंगे, आपके वाइवास होंगे, आपके इंटर्नशिप्स होंगे, आपके कल्चरल इवेंट्स, आपके टेक्निकल इवेंट्स, आपके प्लेसमेंट फेस्टिवल, आपके कल्चरल फेस्टिवल, आपके टेक्निकल फेस्टिवल होते हैं। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ये स्पेशल चैनल बनाया गया है इंडियन एडवांस स्टडीज़। तो आपको क्या करना है, किसी भी ब्राउज़र पर google.com ओपन करना है और वहाँ पर आपको टाइप करना है HPTU 2020 IASA पर। IASA पर एक एक्सक्लूसिव वेबसाइट है, यहाँ पर आपको SPTU के रिलेटेड सारे अपडेट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेंगे। तो मेक श्योर करें यहाँ पे IASA पर लिख दें। उसके बाद आपको क्या करना है, IASA पर लिखने के बाद आपको सर्च कर लेना है। तो जैसे आप यहाँ पे सर्च करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो पहला लिखा हुआ है SPTU 2020 काउंसलिंग और IASA पर .net लिखा हुआ है, तो वहाँ पर आपको क्या करना है, क्लिक कर लेना है। तो जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर न्यू टैब में ओपन हो जाएंगे। तो मैं जूम कर देता हूँ जिससे आपकी विजिबिलिटी बढ़ जाए 125%, आप और बेहतरीन तरीके से देख पाए अच्छे से। यहाँ पे लिखा हुआ है ओके, यहाँ पे लिखा हुआ है SPTU BBA कोर्सेज़ के लिए, यहाँ पे फर्स्ट राउंड काउंसलिंग स्टार्टेड ऑन 18 नवंबर, यहाँ पे लिखा हुआ है वेरियस कोर्सेज़ के लिए। उससे पहले जो फॉर्म है इस फॉर्म को भर दीजिए। इस फॉर्म में आपका फुल नेम रहेगा। आपको अगर ये फॉर्म जैसे आएगा SPTU पेज पर जब आप जाएंगे तो वहाँ पर ये फॉर्म आएगा, तो ये फॉर्म जब आएगा तो इस फॉर्म को कैसे भरना है आपको बताता हूँ। इस फॉर्म में आपका नेम रहेगा, इसमें ईमेल आईडी, आपका कॉन्टैक्ट नंबर जो रहेगा, मोबाइल नंबर, वो यहाँ पर डाल दीजिए। फिर सेलेक्ट करें स्टेट आप कहाँ से, अगर अरुणाचल प्रदेश, आसाम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, झारखंड, कर्नाटका, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, कहीं की भी आप हो सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर झारखंड का हूँ या फिर गुजरात का हूँ या फिर गोवा का हूँ या फिर दिल्ली का हूँ, तो वहाँ का सेलेक्ट करूँगा। तो सेलेक्ट और हाइएस्ट क्वालिफिकेशन आप कहाँ के, अरे सेलेक्ट और करेंट सिटी आप कहाँ से हैं, गोवा के कहाँ के रहने वाले हैं, पणजी, हाँ, नॉर्थ गोवा, साउथ गोवा, वो सेलेक्ट करना है। फिर सेलेक्ट कोर्स कैटेगरी इंटरेस्ट, आप कौन से कोर्स में आखिर इंटरेस्ट है, जिस भी किसी भी कोर्स में आप इंटरेस्ट है उस कोर्स को आपको सेलेक्ट कर लेना है। इंजीनियरिंग में है तो इंजीनियरिंग पे सेलेक्ट कर लें। मैनेजमेंट, डिस्टेंस लर्निंग, BCA MCA, फैशन डिजाइन, आर्किटेक्चर, मीडिया जर्नलिज्म, लॉ, साइंस, एनिमेशन, मल्टीमीडिया, फाइनेंस, अकाउंट, मेडिसिन, हेल्थ केयर, होटल मैनेजमेंट, एवोवेशन, फैशन डिजाइन, तो आप इनमें से किसी भी कोर्स में इंटरेस्ट हो सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मैं फाइनेंस में, तो फाइनेंस पर क्लिक करूँगा। तो सेलेक्ट और हाइएस्ट क्वालिफिकेशन जो भी है वो सेलेक्ट करना है आपको। आपकी हाइएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है, 10th है तो 10th पे क्लिक करना है, 12th है तो 12th, डिप्लोमा, ग्रेजुएशन, मास्टर पीजी जो भी है उसको सेलेक्ट कर लेना। फिर गेट फ्री काउंसलिंग पे क्लिक कर देना। उससे क्या होगा, आपके कॉन्टैक्ट नंबर, आपके ईमेल आईडी के थ्रू आपको फ्री ऑफ कॉस्ट SMS आएंगे SPTU के रिलेटेड। तो मेक श्योर करें यहाँ पे गेट फ्री काउंसलिंग पे क्लिक कर दे। उसके बाद मैं कट कर देता हूँ। उससे पहले आप गुड न्यूज़ सुन लीजिए। गुड न्यूज़ क्या है, गुड न्यूज़ है यहाँ पे जो टॉप 7th यूनिवर्सिटी में ना फुल फ्लो में एडमिशन चालू है, बहुत तेज़ी से, मतलब एडमिशन चालू हुई है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इन यूनिवर्सिटी में से किसी न किसी एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। इन यूनिवर्सिटी में क्या होता है, इन यूनिवर्सिटी में जो हर एक पूरे देश के, यानी कि पूरे देश के बच्चे आते हैं, इतना ही नहीं जो फॉरेन कंट्री के जो बच्चे रहते हैं ना, वो भी यहाँ पे पढ़ने के लिए आते हैं। तो जब आप उनके साथ पढ़ते हैं, लिखते हैं, बातें करते हैं, खेलते कूदते साथ में रहते हैं, घूमते फिरते हैं, बहुत सारे काम करते हैं, तो क्या होता है, आपका कल्चरल एक्सचेंज होता है, आपका नॉलेज एक्सचेंज होता है, आपका लैंग्वेज एक्सचेंज होता है, आपका माइंड सेट एक्सचेंज होता है। तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करता हूँ आप इनमें से किसी न किसी एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लें। यहाँ पे अप्लाई नाउ कर सकते हैं, जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, NMET यूनिवर्सिटी यहाँ पे, फिर IBCET यूनिवर्सिटी, मानव रचना यूनिवर्सिटी, बैनेड यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, MIT वर्ल्ड PC यूनिवर्सिटी, NSU इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट। तो आप इनमें से किसी भी न किसी एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लें, चाहिए तो यहाँ पे अप्लाई नाउ कर सकते हैं। ओके, तो चलिए कैसे चेक करना है आपको मैं इस वीडियो में बताता हूँ। सेकंड राउंड काउंसलिंग यहाँ पे लिखा हुआ है, बिन स्टार्टेड हो चुकी है। ओके, तो यहाँ पे जो भी आपका कोर्स है, यहाँ पे कौन कौन से कोर्स का यहाँ पे स्टार्ट हो चुके, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे देख लीजिए पहले आप। 4 BTech के लिए है, BTech LA के लिए है, फिर यहाँ पे BE फार्मेसी के लिए है LA, फिर MBA के लिए है, फिर MBA MH वाला और NT वाला। ओके, फिर MTech के लिए है, फिर MCA के लिए है, एम फार्मेसी के लिए है, MSc फिजिक्स के लिए है, MSc एनवायरमेंटल साइंस एंड PG डिप्लोमा योगा कोर्सेस। ओके, इन योगा कोर्सेस, तो क्लिक हियर टू अप्लाई, यहाँ पे अप्लाई करने के लिए आपको क्लिक करना है। तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, न्यू टैब में ओपन हो जाते हैं,
तो मैं, हाँ ठीक है, मैं जूम कर देता जिससे आपकी विजिबिलिटी बढ़ जाए, आप और बेहतरीन तरीके से देख पाएँ यहाँ पे। ओके, हाँ यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे जो है सेलेक्ट जो है दिया गया उसको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे भी जो है आपका कोर्स सेलेक्ट करना है, BHM CT जो भी डायरेक्ट एंट्री VCM टू सीजन, यहाँ पे क्लिक करना है। ओके, फिर यहाँ पे अप्लीकेंट नेम यानी आपका नाम रहेगा, यहाँ पे जो आपका नाम है वहाँ पर टाइप करें। ओके, आपका नाम टाइप करना, फिर यहाँ पे आपका फादर का नाम, जो भी आपके फादर का नाम होगा, आपके फादर का नाम होगा यहाँ पे टाइप करें। ओके, फिर यहाँ पे आपका ईमेल आईडी, जो भी आपका ईमेल आईडी होगा, फॉर एग्जांपल मेरा ईमेल आईडी है, ओके, तो आपका कुछ भी हो सकता है, तो मेरा फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं बता रहा हूँ, ऐसे गैप नहीं चलता उसमें। ओके, तो ऐसा मतलब बनाना है आपका, फिर यहाँ पे मतलब जो है आपका ईमेल आईडी वो यहाँ पे डाल देना है सेम टू सेम। फिर यहाँ पे आपका ईमेल, जिस ईमेल आईडी पे रजिस्टर है मोबाइल नंबर, वो मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे डालना है, जैसे कि मेरा है। ओके, ये मोबाइल नंबर मेरा है। ओके, तो यहाँ पे डाल दिया, यहाँ पे वेरीफाई ईमेल कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे वेरीफाई ईमेल करते हैं ना, तो चेक करता है आपका ईमेल कैसा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो एंटर कैप्चा डालना है, यहाँ पे कैप्चा मतलब यहाँ पे जो दिया गया है फ़ोटो में, यहाँ पे लिखा है कैपिटल तो कैपिटल में, स्मॉल है तो स्मॉल में, अल्फाबेटिक जो यहाँ पे लिखा हुआ है ABCD जो भी है, यहाँ पे देखिए G है, CDNXI। ओके, तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है फिर आप आपको रजिस्टर कर देना है। अगर आपका पहले से ही है तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे ये जो है यहाँ पे साइड में, यहाँ पे यूज़र नेम आपका डालना, फिर पासवर्ड डालना, फिर लॉगिन कर देंगे अगर पहले से है तो। ओके, नहीं है तो यहाँ पे अपना बनाएंगे अच्छे से यहाँ पे। तो अगर आपको कोई डाउट है तो डेफिनेटली कमेंट कर देना। उम्मीद है इस वीडियो ने आपके सारी क्वेरीज क्लियर कर दिया होगा, तो ऐसे वीडियो फ्यूचर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करिए, वीडियो पसंद आए तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।